उल्लासनगर देवी पूजक समाज ने समाज के बेटियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उल्लासनगर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अत्याचारियों को फांसी देने की मांग की है। आइए लेते इस पर अधिक जानकारी। और उसको फांसी की मांगे तो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आठ वर्ष की लड़की का बलवा है जय मुझे समाज की, उसको फांसी दी जाए। सरकार से हमारी अपील है, पुलिस से हमारी अपील है, उसको फांसी दी जाए, उसे फांसी दी जाए। हमने तहसीलदार से मोर्चा निकाला है और पुलिस और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है के बोटाज के अंदर देवी पूजे समाज की 8 वर्ष की लड़की का बलात्कार हुआ है, वो 4 जनों ने मिलकर किया है, तो उसे सरकार से हम रिक्वेस्ट है कि उसे फांसी दी जाए। और फांसी की हमारी अपील है, हम सब पूरी जनता देवी पूजे समाज वो पूरी मिलकर हमें अपील कर रहे हैं। अगर उल्लासनगर 3 नंबर थाना जिले से हम लोग अपील करें, पूरा गुजरात से अपील है मेरी, तो हमें ये इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगते, सरकार से इंसाफ मांगते, पुलिस से इंसाफ मांगते, और हमें देवी पूजे समाज की जो बेटियों पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म करो। और हर जगह बलात्कार इस तरह आम गरीबों के ऊपर जुल्म होते जा रहा है, हम देवी पूजे समाज की लड़कियों पर बलात्कार होते जा रहा है, और बलात्कार सरकार अमेरिका हमें सरकार से हमें अपील है कि अपील वो स्वीकार करो मेरी बराबर। और हम कहना चाहते हैं कि इन्हें फांसी दी जाए, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।